नमस्कार, मैं रौनक शुक्ला। प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से है, जहां धानेपुर पुलिस प्रेम प्रसंग में कई बार अपने घर से भाग चुके प्रेमी युगल की आज दोनों परिवारों की रजामंदी से धानेपुर थाना परिसर में विधि विधान से शादी संपन्न कराई गई, जिसको देखने के लिए थाना परिसर में क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठा हुए और पुलिस की इस पहल का सभी ने स्वागत किया और सभी ने इसकी जमकर सराहना की। इस संबंध में थाना अध्यक्ष दानेपुर रतन कुमार पांडे ने बताया कि बुधवार की शाम 8 बजे थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत ख्वाजा जोत के मजरा सेवक पुरवा निवासी राम मुरत ने आकर शिकायती प्रार्थना पत्र दिया कि मेरी पुत्री निशा को मेरे ही गांव का एक पुत्र राजू पुत्र मिश्रीलाल कहीं भगा कर ले गया है। इस पर धानेपुर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए थानाध्यक्ष के निर्देशन में उप निरीक्षक ब्रजेश गुप्ता, कांस्टेबल महेंद्र गुप्ता, महिला आरक्षी नंदिनी वर्मा की टीम ने रात्रि में लगभग 12:30 बजे के बाद गोंडा रेलवे स्टेशन पर प्रेमी युगल को बरामद कर लिया। बरामदगी के पश्चात थाना धानेपुर में प्रेमी युगल को लाने पर थानाध्यक्ष रतन कुमार पांडे ने अनूठी पहल करते हुए दोनों परिवारों को समझा बुझाकर इनकी शादी करवाने के लिए राजी किया, जिस पर दोनों परिवारों की रजामंदी से थाना परिसर में आज इनका ब्रह्मदेव के स्थान पर विधिवत दान दक्षिणा के साथ विवाह संपन्न कराया गया। इस पर ग्राम प्रधान ख्वाजा जोत जगदीश दत्त पांडे, संजय शर्मा के साथ साथ गांव के सैकड़ों ग्रामीण की उपस्थिति में धानेपुर थाने के निरीक्षक ब्रजेश गुप्ता के साथ साथ महिला व पुरुष आरक्षी भी मौजूद थे। मेरा नाम राजू है, मैं सेवकपुरवा का रहने वाला हूँ। मेरा एक लड़की से संबंध था, कुछ दिन से चल रहा था। वो आज धानेपुर थाना में मेरी शादी हो रही है, सब घर वाले राजी हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आपके मतलब धानेपुर पुलिस की वजह से दो परिवार बिखरने से बच गए और ये दाम्पत्य जीवन आज थाना धानेपुर के परिसर में जो बंधने जा रहा है, इसके पीछे आखिर क्या कहानी रही है? ये कुछ दिन पहले एक लड़का और एक लड़की, लड़के का नाम राजू था और लड़की का नाम निशा, जो सोहिला पुल के पास रात में 2 बजे अकेले छुपते हुए जा रहे थे, तो वहाँ से पुलिस इन लोगों को ले आई थी। परिजनों को सूचना दिया गया था, घर वाले परिजन आए लेके अपने अपने घर बच्चे बच्चों को दोनों ले गए। फिर कुछ दिन बाद ये लोग एक बार फिर भागने का प्रयास किए। इसी क्रम में कल दिनांक 5/4/12/19 को रात को 9 बजे खबर मिली मिश्री लाल द्वारा कि मिश्री लाल का लड़का राजू निशा नाम की लड़की को लेके फिर भाग गया है। इसी क्रम में हमारे थाने के दरोगा ब्रजेश गुप्ता द्वारा रास किया गया, तो खबर मिली कि रेलवे स्टेशन गोंडा जियापुर में दोनों ट्रेन पर जाने बैठने के लिए कहीं रुके हुए थे। पुनः वहाँ से जाकर लड़की लड़की बुलाया गया। लड़की द्वारा कहा गया कि मैं भी जब रहूंगी तब इसी के साथ रहूंगी, अन्यथा अपने घर नहीं जाऊंगी। लड़का भी कहा कि मेरे घर के लोग शादी को तैयार नहीं है साहब, मैं इसी के साथ शादी करूंगा और किसी के साथ नहीं रह सकता हूँ। काफ़ी समझाने जाने के बाद दोनों घर के परिजन लोग तैयार हो गए और दोनों लोगों की शादी इसी थाने में आज ही कर दिया गया है, किया जा रहा है, तैयारी की जा रही है और कुछ ही क्षण में दोनों को विवाह बंधन में बांध दिया जाएगा और उसके बाद शेष करवाइए लोग घर जाकर करेंगे और विधि कार्रवाई कोर्ट में जाके कोर्ट में रहे या फिर जो भी विवाह कृष्ण है उसको निभाएंगे। प्राइम न्यूज 24 से ब्यूरो गोंडा।